नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद वैस और आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और अन्य कांग्रेसी नेताओं की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी से लोहाघाट के भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने एक महिला के अलावा देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी ने देश से माफी मांगनी चाहिए। शक्ति का अपमान हुआ और पार्टी अपनी जगह होती है, कोई भी पार्टी हो। मैं तो कहती हूँ पार्टी में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद करके देश में संगठन में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, देश में फूट पड़ती है। और जब तक मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। जो कांग्रेस ने करा, कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए एक महिला के प्रति। और वो बहुत संघर्षशील महिला है, उनके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, अच्छी बात है।